पूर्व विधायक निशांक जैन के नेतृत्व में किसान बिल के विरोध में ज्ञापन एसडीएम राजेश मेहता को सौंपा गया है। किसान रैली नई मंडी से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। वहीं एक सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक निशांक जैन ने कहा कि आंदोलन में शामिल 60 किसानों की ठंड से मौत हो गई, लेकिन बड़े मीडिया संस्थानों ने इसे प्रसारित नहीं किया, बल्कि केंद्र सरकार ने किसानों पर कड़कड़ाती ठंड में फायर ब्रिगेड से पानी की बौछार कर दी। सभा को संबोधित करते हुए विधायक निशांक जैन ने कहा कि भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कि सभी लाभ में चल रही सरकारी संस्थानों को बेच डाला। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब किसानों का कर्जा माफ किया था, किसान बिल किसानों के लिए लाभदायक नहीं है। केंद्र की सरकार अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाने का आरोप मोदी सरकार पर लगाया। वहीं रैली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों पर किसानों के साथ साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आए। चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार जब बोल रही है तो लिखित में क्यों नहीं देती कि एमएसपी से कम जो खरीदेगा वो जेल जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकार की कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जैसा भाजपा का रंग दुरंगा है ना झंडे का, वैसे ही भाजपाई नेताओं का मन भी दुरंगा है, अंदर कुछ और तो बाहर कुछ और। किसानों का कहना यह कि हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए। किसानों का कहना यह हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये तो किसानों का कहना नहीं है, किसानों ने तो सभी दलों से समर्थन मांगा है। ये तो किसानों के भेष में जो भाजपा के एजेंट है ना वो है, जो आंदोलनों में जाते हैं कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर मालूम पड़ता है वो तो भाजपा का एजेंट है। ये काम तो भाजपा और आरएसएस का है कि जिंदगी को चौकड़ा कैसे बनाया जाए। इस षड्यंत्र की तो उन्हें आजादी के पहले से महारत हासिल है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंजवास सौदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।